भर मैं हूं शेख जुई, रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब राजस्थान सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा पिछली गहलोत सरकार के कामों को रिव्यू करने की तैयारी कर चुके हैं। इस कड़ी में पहला काम पिछले साल गठित नए जिले और संभागों के फैसले की समीक्षा का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत नवगठित 3 संभाग और 17 जिलों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित कर दी गई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कांग्रेस शासन में खोले गए 303 कॉलेज की समीक्षा करने के आदेश जारी किए हैं, जिनकी कमेटी का गठन होते ही राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की सरकार पर इन कॉलेज को बंद कराने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के सामने इन कॉलेज को खोलने से हुए फायदे बता रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट भी की, जिस पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने पलटवार किया और कहा पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिए उन्होंने बिना समीक्षा और व्यवस्था के लिए। शिक्षा विभाग ने कॉलेज खोले मगर उनमें कोई व्यवस्था नहीं की। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच बुधवार को जल संकट को लेकर सोशल मीडिया पर वार पलटवार देखने को मिला। आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आज राज्यपाल दफ्तर ने सभी पत्रकारों को एक विज्ञप्ति भेजी है, उन्होंने कहा इसमें मुझे बहुत गालियां दी है, मेरे बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही है। आम आदमी पार्टी नेता ने यह भी कहा कि वह जानती हैं कि उपराज्यपाल और भाजपा आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बार बार अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को मोदी सरकार ने एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वे अब राज्यसभा में पार्टी के अगले नेता होंगे। पीयूष गोयल के लोकसभा जीतने के बाद यह पद खाली हुआ था, लेकिन अब जेपी नड्डा उनकी जगह लेंगे। इसके साथ ही नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ साथ राज्यसभा में भी पार्टी नेता के रूप में काम करेंगे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने आई थी, उन्होंने सबसे पहले बिजली और पानी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि जो भी कदम उठाने की जरूरत है उठाए जाएं, विधायकों को अपने इलाके में जाकर समस्या का समाधान करने की हिदायत दी जाए। सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा। आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो एक केंद्र सरकार द्वारा एक झूठे केस में फंसाए गए हैं और उसकी वजह से आज तिहाड़ जेल में हैं, उनसे मिलने आई थी। जैसा आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने से ज्यादा चिंता दिल्ली वालों की है, और जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज ग्राउंड पर जाएं, पब्लिक के बीच में रहें, और जहां जहां पे भी वो जिस प्रकार से पानी पहुंचवाने में मदद कर सकते हैं सारे एमएलएज को ग्राउंड पर रहना है और लोगों की जो पानी की परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि वह इसकी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग अपने तय समय पर होगी, यदि परीक्षा होती है तो सारी प्रक्रिया उसी के अनुकूल होनी चाहिए, इसमें डरने वाली बात नहीं है। हरियाणा में शराब महंगी हो गई है। प्रदेश में नई अबकारी नीति 12 जून से लागू हुई और नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी। नई अबकारी नीति के कारण गुरुग्राम में शराब महंगी होगी। सभी दुकानें बार में बियर की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई है। जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग की ओर से एम गाइडलाइन जारी की गई। नई गाइडलाइन के अनुसार जम्मू कश्मीर के स्कूलों की शुरुआत अब हर दिन राष्ट्रगान से होगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच एकता, अनुशासन और नैतिक मूल्य को बढ़ावा देना है, साथ ही उन चिंताओं को दूर करना है कि इस प्रथा को विभिन्न संस्थानों में सामान्य रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीते 4 दिनों में 4 आतंकी हमले की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासी कठुआ के बाद डोडा में हुए 2 आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल घाटी में नाकाबंदी सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं, साथ ही आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। कुवैत की एक इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। इनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 40 से अधिक भारत के नागरिक हैं। कुवैत सरकार ने इस घटना में लापरवाही का जिम्मेदार ठहराते हुए बिल्डिंग मालिक और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सफर रूबरू होंगे। शुक्रिया।